एक्चुअली रात में तो जो एक्सीडेंट हुआ था उसकी प्रायोरिटी यही थी कि इंजर्ड को तत्काल चिकित्सा उपचार के लिए भेजा जाए। उस टाइम हम डीप सर्च नहीं करा पाए, रात का बहुत अंधेरा भी था, तो हमने सबसे पहले घायलों को उपचार हेतु भेजा गया। लेकिन एक डेड बॉडी मिलने से उन तीनों में से एक डेड हो गया था, लेकिन उसकी आइडेंटिटी नहीं हो पाई थी। तो उसकी आइडेंटिटी को क्लेरिफाई करने के लिए हमारा पोस्टमार्टम भी रुका पड़ा था, तो उसके परिजनों को सूचित नहीं हो पा रहा था। तो फिर हम उसके सर्च करने के लिए कि कुछ हमको मिल जाए वहाँ पे, तो जब हमने गाड़ी सर्च की तो उसमें डोडा पोस्ट मिला है जो NDPS के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। और घटनास्थल की उसकी गाड़ी के आधे एक बोरी गाड़ी में मिली है, बाकी 5-4 बोरियाँ आस पास ही मिले हैं। फिर आधार कार्ड मिला है, फिर एक गाड़ी की RC मिली है, स्कूटी की, वही स्कूटी गाड़ी की RC है। इस प्रकार के ये सारे हमने कब्जे में लेकर तत्काल मजिस्ट्रेट साहब को सूचित किया, वो मौके पे आए, उनके सम्मुख सारी कार्रवाई हुई, फर्द बनी, कब्जे पुलिस में लिया गया, बरामद माल को अब थाने जाके जो है उनके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया। जालंधर अच्छा जालंधर है ना। आज प्रातः एक स्विफ्ट डिजायर गाड़ी धनौल्टी से चल के देहरादून जा रही थी और अभी मसूरी के पास मंकी हिल के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। और जब इसकी जांच की गई, पुलिस द्वारा जांच की गई, तो घायलों को तो अस्पताल भेजा गया है। इस गाड़ी में कुछ सामान बरामद हुआ है, तो देखने से पता लगा कि ये डोडा पोस्त है। इसका वजन लगभग 62 किलो के करीब पाया गया, जिसे कि तोल दिया गया है। और आगे की जो कार्रवाई होगी वो पुलिस के द्वारा की जाएगी। सर किस तरीके से देखते हैं, जिस तरीके से ये डोडा पोस्त पकड़ा गया है, तो ये क्या पूरे जो लोग थे ये इसी में इन्वॉल्व थे? लगता है जब भी इसकी जांच होगी, लेकिन लगता तो ऐसा ही है कि प्रथम दृष्टया कि वही लोग इसको लेके जा रहे थे, क्योंकि इसमें सवारी ही 3 थी। सर कितनी कीमत होगी सर इसकी? कीमत के बारे में सर तो क्या मानते हैं कि ऐसे ये जो नशीला पदार्थ है इससे क्या अफीम वगैरह बनती है? हाँ, लगता है कि इसी से अफीम बनती है और उसी की सामग्री है।